इस ट्यूटोरियल में हम देखते हैं कि एक यूज़र का पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि यूज़र ऑल यूज़र में जाना है। लेट्स सपोज अगर कोई भी यूज़र है, आपने उस यूज़र को यहाँ पे देख लेना है, ठीक है, जिसका पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं। तो आपने उसके बाद क्या करना है, एडिट कर देना है। तो एडिट करने के बाद ये आपके पास व्यू ओपन हो जाएगा और लास्ट पर आपने आ जाना है और यहाँ पे आ जाएगा जनरेट पासवर्ड। तो जनरेट पासवर्ड आपने दे देना है, ठीक है, जो भी आपका डिजायर्ड हो, लेकिन मेक श्योर ये स्ट्रॉन्ग हो क्योंकि लाइव सर्वर पे वीक पासवर्ड हैक हो जाते हैं। तो उस पर आप डिफरेंट अटैक्स होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मेक श्योर आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो, कोई भी आप पासवर्ड यूज कर सकते हैं। तो आप इसको पासवर्ड यहाँ पे देके और लॉग आउट एवरीवेयर एल्स। तो अगर कोई किसी के कंप्यूटर पे भी आपके आपका लॉगिन आपने किया हुआ है, लेट्स सपोज मैंने किसी और कंप्यूटर पे ये वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन किया था और मैं भूल गया वहाँ से लॉग आउट करना, तो आप यहाँ से पासवर्ड चेंज करके लॉग आउट एवरीवेयर एल्स करके और यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपकी प्रोफाइल का पासवर्ड चेंज हो जाएगा और अगर कहीं वो लॉगिन भी है तो आप वहाँ पे भी उसको लॉग आउट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। तो अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे यूज़र हम एक क्रिएट कैसे कर सकते हैं एडमिन डैशबोर्ड से। एक तो हमने देखा कि यूज़र खुद रजिस्टर कर सकता है फ्रंट एंड से, ठीक है, लेकिन अगर हमने खुद कोई यूज़र ऐड करना हो, लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ ये वेबसाइट मैंने कोई बनानी हो और किसी और को मैंने एक्सेस देनी हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो एडमिन ही हो, ठीक है, उसको थोड़े से लेस रोल के साथ, लेस फंक्शनैलिटी के साथ मैंने इस डैशबोर्ड की एक्सेस देनी हो, तो वो कैसे दूंगा। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इस चीज़ को डीपली देखेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये बहुत हमारे आगे जाके काम आएगी। Thank you for watching my video guys. If you have any question, you can ask me in comments and please like this video and subscribe my channel and click on bell icon for upcoming new videos. You can also contact me on these social links if you have any problem.